इट्स माय स्टोरी, आज अपन की कहानी सुनाता हूँ तुम लोग को, बोले तो शेर की कहानी। ध्यान से सुनने का क्या, शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था, थोड़ा सा मोटा था, नाम MD शेर, शेर का बेटा था। उम्र 10 थी, स्कूल की बस थी, स्कूल था मेरे लिए जैसे मेरी बस। फिर 10वीं में था, मेरी माँ बीमार थी, कैंसर की शिकार थी, उनके बिना लगता मेरी जिंदगी बेकार थी। फिर जैसे तैसे करके मेरी माँ को मौत से लड़के वापस आना पड़ा, घर पे जिम्मेदारियां थी सर पे, इतना कुछ हुआ फिर भी डैड कभी ना भड़के। 2017 था, लोग थे मौज में लेकिन मेरे लिए खतरा था। 2017 था मेरे लिए खतरा था, इंटर में साइंस लिया, मेहनत करके पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में फेल हुआ, 12वीं फेल का टैग मिला, 12वीं फेल का टैग मिला, सेकेंड ईयर में फेल हुआ, 12वीं फेल का टैग मिला, पर करता भी क्या यार, हाँ। क्लास में पढ़ता, घर में पढ़ता, फिर भी फेल हो जाता था, ट्यूशन जाता, रात में आता, बत्ती बुझा के सो जाता, सवेरे उठता, कॉलेज जाता, फिर भी लेट हो जाता था, ग्रेविटी का फोर्स मुझ पर ही क्यों इतना ज्यादा था, कल जो मैं था आज जो मैं हूँ उसमें फर्क ज्यादा है, दुनिया कैसी है मुझको अब सब कुछ समझ जाता है, लगता है लोगों को आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इतना एक दिन जिंदगी में मैं भी जीत जाऊंगा। फिर 2018 में इंटर पास हुआ, डिग्री में कदम रखा जैसे कोई सपना था, कॉलेज में लगता मुझे हर कोई मेरा अपना था, रैप करना शुरू किया, हिप हॉप में नेम मिला, रैप करना शुरू किया, हिप हॉप में नेम मिला, थोड़ा सा मुझे फेम मिला, रैपिंग करना जैसे मेरा कोई गेम बना, रैप के मामले में मैं थोड़ा इंसेन बना। ए फिर मेरे अगेंस्ट कई लोगों का कंप्लेन बना, जो लोग बोले बंटाई की नकल किया मैं, उन लोग का सर मेरे गन पॉइंट पे एम बना। बैंगलोर नंबर 6, नाम MD शेर, बीट्स बाय फिलेट, प्रोवाइडेड बाय रूजे। यही थी अपन की कहानी, क्या